इन मैनहट्टन सन 2002 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में वैन वांग द्वारा निर्देशित और जोनी हायज द्वारा निर्मित है। इस मूवी में 7 कलाकार और हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं और उनको ही हमने धीरे धीरे जाना है। यह 13 दिसंबर 2002 को कोलंबिया पिक्चर द्वारा की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसने अपने बजट से $100 मिलियन अधिक की कमाई भी की थी। इस मूवी के निर्देशक पटकथा केविड बेन है। मूवी कहानी द्वारा एडम डेंटस द्वारा, उत्पादन है एलन गोल्ड स्मिथ थॉमस पॉल सिफ द्वारा सिंडलर। इस मूवी के अभिनेता हैं जिन्हें हम आज के टाइम में नहीं जानते हैं, जेनिफर लोपेज, रोल्फ फियांसे, नताशा रिचर्डसन, स्टैनली टुकी और 70 गेट के अभिनेता और RBI के चीफ ऑफ डायरेक्टर हैं। इस मूवी का संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री ने। उत्पादन कंपनियां हैं कोलंबिया पिक्चर, रिवॉल्यूशन स्टूडियो, ह्यूज एंटरटेनमेंट। कहानी वितरित है सोनी पिक्चर रिलीज। रिलीज की तारीख है 13 दिसंबर 2002। कार्यकारी समय है 105 मिनट। देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा है अंग्रेजी। इस मूवी का बजट है $65 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मूवी का $163 मिलियन। मोरिना वेंचुरी अपने 10 साल के बेटी टॉय की परवरिश करने वाली एक अकेली माँ मैनहट्टन के केंद्र में बैरसफोर्ड होटल में एक नौकरानी के रूम में काम करती हैं। जब स्कूल में नहीं होती तो वह टॉर मैरिस के साथ होटल कर्मचारियों के साथ समय बिताती हैं, जो सोचते हैं कि प्रबंधन में पदोन्नति की जा सकती है। जहाँ मॉरिस और उसके सहकर्मी स्टेफनी सोशलाइट कैरोलिन ग्लेन के कमरे की सफाई कर रही हैं, वह स्टेफनी मॉरिस को डॉल सिर गब्बाना कोट पहनने के लिए मना लेती है। लेन ने पहले इसे स्टोर में वापस करने के लिए कहा था और स्टेफनी का तर्क है कि यह तकनीकी रूप से इस समय किसी से संबंधित नहीं है। होटल में कई ऑटो टाई होटल के अतिथि सिनाटेल उम्मीदवार क्रिस्टोफर क्रिस मॉर्सल से दोस्ती करता है, जिसे टॉय को पता लगता है कि उसकी रिचर्ड निक्सन में रुचि है। उनकी स्कूल प्रस्तुति का विषय टॉय क्रिस के साथ अपने कुत्ते के साथ चलना चाहता है और जोड़ी कैरोलिन के कमरे में जाकर मॉरिस से अनुमति मांगती है। क्रिस मॉरिस से मिलता है जिसे डिजाइनर कोट पहना हुआ है और तुरंत उसके साथ धूम्रपान किया जाता है। वह मानता है कि वह कैरोलिन तीन पार्क में कुछ समय के साथ समय बिताते हैं। हालांकि मॉरिस और क्रिस एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, मॉरिस इस बात से डरती है कि प्रबंधक इस चाल के बारे में पता लगाएगा और बाद में क्रिस से बचने के लिए इसे बंधु बना देगा। इसे होटल के प्रमुख बटलर लियोनेल बालो से कैरोलिन लैन दोपहर के भोजन के आमंत्रित करने के लिए कहता है।